एक्सरसाइज 1.2 एग्जांपल नंबर इंडियन 1 कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स उसमें से छोटा वन पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी सिंपल पी और क्यू दोनों आ गए तो सिंपल पी क्यू आर जहां आ गया वहां खतरा है कितने स्टेटमेंट्स है दो पी एंड क्यू हर एक का ऑप्शन क्या है पी का आइदर ट्रू और फॉल्स तो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे टू स्क्वायर यानी कितनी रोज आएगी फोर रोज आएगी फोर रोज कैसी आएगी पी में दो ट्रू दो फॉल्स क्यू में ट्रू फॉल्स अभी पी इंप्लाइज क्यू चाहिए इंप्लीकेशन में पहला शुड बी ट्रू एंड दूसरा शुड बी फॉल्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो पी इंप्लाइज क्यू में यहां खड़े रहेंगे आप ये दो देखेंगे ये दो देखने का नहीं पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहां पे आता सेकंड में आता सेकंड वाला फॉल्स बाकी सारे ट्रू क्योंकि पहला ट्रू चाहिए और दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स बाय टिफ रूल टी एफ एफ रूल अब आपको इन टोटलिटी बता देता हूं क्या होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल मैंने कुछ दिन पहले बना के दिया था उसमें डायरेक्ट बताया था एंड में पहला वाला ट्रू रहता बाकी सारे फॉल्स रहते पी एंड क्यू में और में लास्ट वाला फॉल्स रहता बाकी तीनों ट्रू रहते इंप्लीकेशन में सेकंड वाला पी प्लस क्यू में सेकंड वाला फॉल्स रहता तो एग्जाम में सीईटी में डायरेक्टली आप इसमें एफ लिख सकते हो पी प्लस क्यू सेकंड वाला फॉल्स आई रिपीट पी इंप्लाइज क्यू सेकंड वाला फॉल्स पी इंप्लाइज क्यू सेकंड वाला फॉल्स बट क्यू इंप्लाइज पी आ गया तो थर्ड वाला फॉल्स यहां देखो सभी लोग क्यू इंप्लाइज पी आ गया तो थर्ड वाला फॉल्स पी इंप्लाइज क्यू आ गया तो सेकंड वाला फॉल्स चार रोज में आठ रो में रूल चेंज हो जाता है ये रूल काय के लिए चार रोज के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स के लिए पी इंप्लाइज क्यू सेकंड वाला फॉल्स क्यू इंप्लाइज क्यू थर्ड वाला फॉल्स डायरेक्टली वी कैन राइट अब मुझे पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू ये बना रहा हूं मैं कंप्लीट कर रहा हूं कॉलम्स तो पी इंप्लाइज क्यू यानी ये एंड क्यू यानी ये इनके बीच में मेरे को क्या चाहिए इनके बीच में क्या चाहिए अपने को एंड एंड में दोनों कैसे चाहिए ट्रू दोनों ट्रू चाहिए तो अपन क्या देखेंगे ये ट्रू है दोनों ये ट्रू लिखा ये दो देखने का नहीं यहाँ दोनों ट्रू है ये लिखा ये देखने का भी नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू आएंगे बाकी सारे फॉल्स आएंगे अब यहां से आपको पी के ऊपर इंप्लीकेशन देना है तो आप इधर खड़े रहेंगे इधर खड़े रहेंगे इधर खड़े रहेंगे वेरी गुड इधर से था बंदूक चलानी है दिस कॉलम इंप्लीकेशन पी का कॉलम इंप्लीकेशन इधर से ट्रू बताना है तो पहला वाला इधर से ट्रू चाहिए यानी ये दो देखूंगा नहीं यहां ट्रू है तो यहां फॉल्स है क्या देखो नहीं है थर्ड में यहां ट्रू है और यहां पे फॉल्स है थर्ड वाला फॉल्स आएगा बाकी तीनों ट्रू आएंगे तो उसका ट्रुथ टेबल बन गया टीटीएफटी तो ये ना तो टॉटोलॉजी है ना तो कॉन्ट्राडिक्शन है इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी एग्जाम में इसको लिखने का नहीं क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं क्या पूछा उन्होंने प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल ओनली तो ये बस खत्म हो गया ये आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूं फर्स्ट कॉलम फिनिश दिस इज द ट्रुथ टेबल थ्री मार्क्स देन गो टू एग्जाम्पल नंबर सेकंड पी एंड नॉट क्यू डबल इंप्लीकेशन पी इंप्लाइज क्यू फिर से पी दो ट्रू दो फॉल्स क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नॉट क्यू यानी क्यू में अगर ट्रू है तो नॉट क्यू में क्या होगा वो फॉल्स तो यह आएगा एफ टी एफ टी नॉट क्यू क्या आएगा एफ टी एफ टी उसके बाद जैसे बताया था पी इंप्लाइज क्यू देखने का भी नहीं सेकंड वाला फॉल्स बाकी तीनों ट्रू पी इंप्लाइज क्यू सेकंड वाला फॉल्स यहां बताया था क्यू कैसे आता है तो बाकी तीनों ट्रू अब पी एंड नॉट क्यू यानी ये दो कॉलम के बीच में आपको क्या चाहिए एंड एंड में दोनों कैसे चाहिए ट्रू तो मैं ये आखिरी के दो देखूंगा नहीं ये पहले दो देखे इसमें ट्रू अब सिर्फ सेकंड में आया दोनों ट्रू आ गए सेकंड में आंसर इज ट्रू बाकी तीनों फॉल्स अब ये लास्ट के दो कॉलम जो है ये कॉलम और ये कॉलम इसके बीच में आपको कौन चाहिए डबल इंप्लीकेशन तो अब कॉलम कैसे बनते उसके ऊपर भी ध्यान देंगे पी और क्यू उसका पी एंड नॉट क्यू ये कॉलम हो गया उसके इधर का कॉलम पी इंप्लाइज क्यू हो गया
उसके बाद ये दो कॉलम जो है इसके बीच में आपको क्या चाहिए, डबल इंप्लीकेशन चाहिए। डबल इंप्लीकेशन यानी दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाता है। गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यू कैन ओनली आईफेल टावर इज इन नागपुर, दोनों फॉल्स है, ना मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं ना आईफेल टावर नागपुर में, लेकिन फ्रेज बीच में डाल दिया गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यू कैन ओनली आईफेल टावर इज इन नागपुर, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू आता है, ये ट्रू स्टेटमेंट माना जाता है। सो आप देखेंगे दोनों ट्रू दोनों फॉल्स काम में आते, ये काम का नहीं, एक टू एक फॉल्स, ये काम का नहीं, एक टू एक फॉल्स, एक टू एक फॉल्स, एक टू एक फॉल्स, एक भी ट्रू आने वाला नहीं है, सारे कैसे आ गए फॉल्स, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सारे सेम आ गए तो क्या बोलते इसको, कॉन्ट्राडिक्शन, सारे एफ आ गए तो क्या बोलते इसको, कॉन्ट्राडिक्शन, सारे ट्रू आ गए तो टॉटोलॉजी, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ गए तो कॉन्टिंजेंसी, सारे ट्रू टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स कॉन्टिन्यूस। अब थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, पांचवा एग्जांपल, नॉट पी एंड ब्रैकेट में पी और नॉट क्यू एंड क्यू, कॉलम कैसे बनेंगे, अभी नॉट पी भी है और नॉट क्यू भी है, तो पहले पी का कॉलम फिर क्यू का कॉलम फिर नॉट पी का फिर नॉट क्यू, चार कॉलम ऐसे बना के रख देने डायरेक्ट, पी आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नॉट की आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि यहाँ ट्रू है तो ये दो फॉल्स होंगे, यहाँ दो फॉल्स है तो यहाँ दो ट्रू होंगे, नॉट क्यू में कैसे लिखना एफ टी एफ टी, फटाफट लिखना एफ टी एफ टी, फटाफट एफ टी एफ टी, क्योंकि ये टी एफ टी एफ है तो टी का फॉल्स फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू, निगेशन में। अब पहला कॉलम ये बनेगा इधर बनेगा, तो पहला ये ब्रैकेट बनेगी पी और नॉट क्यू, यानी पहला कॉलम और फोर्थ कॉलम के बीच में और चाहिए आपको, और में दोनों कैसे चाहिए, वेरी गुड, दोनों कैसे चाहिए फॉल्स, तो ये दो देखो ना, ये दो देखे अपन ने, ये फॉल्स है और यहां थर्ड वाला फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, बाकी तीनों ट्रू मानी जाएंगे, परफेक्ट है, परफेक्ट टी टी एफ टी। अब ये कॉलम और क्यू का कॉलम, इसके बीच में क्या चाहिए आपको, एंड, यानी ये दो कॉलम में एंड चाहिए, एंड ये दो कॉलम में चाहिए, तो दोनों ट्रू चाहिए आपको, दोनों ट्रू के लिए देखना, ये दो ट्रू है, टी लिखा, ये काम का नहीं है, ये टू एक फॉल्स है काम का नहीं, एक फॉल्स एक टू है काम का, यानी सिर्फ पहला वाला ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आएंगे। अब मुझे क्या देखना है अपने में, नॉट पी एंड यानी ये कॉलम और ये कॉलम, इसके बीच में आपको क्या चाहिए, एंड, आई रिपीट, ये दो कॉलम में एंड चाहिए आपको, ध्यान देना एंड चाहिए, एंड में दोनों कैसे चाहिए ट्रू, तो मैं ये दो देखूंगा नहीं, क्योंकि इसमें एक फॉल्स है, एंड में दोनों ट्रू चाहिए, फॉल्स काम का नहीं आता, तो ये देखूंगा भी नहीं, यहां देखा दोनों ट्रू काम में आते, दोनों ट्रू एक में भी नहीं आते, यानी आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, सारे आगे फॉल्स 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 फॉल्स, दिस कॉल एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सारे फॉल्स आगे तो क्या होता है इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। क्विकली मूविंग टू एग्जांपल नंबर 7, क्यू इंप्लाइज पी और नॉट पी, डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी क्यू समझ आ रहे को कैसे लिखना, तो उसके बाद यहां देखो नॉट पी कहीं है क्या, एस नॉट पी है, नॉट क्यू है क्या, नहीं है, तो सिर्फ नॉट पी का कॉलम बनाओ एफ एफ पी टी। अभी क्यू इंप्लाइज पी है तो आपको पता चल गया थर्ड वाला फॉल्स आता है, क्यों आता है वो भी चेक करेंगे, क्यू इंप्लाइज पी में पहला क्यू में ट्रू चाहिए, पी में फॉल्स चाहिए, था इधर ट्रू इधर फॉल्स, ये वाला जमता नहीं, थर्ड वाला ये तो देखने का भी नहीं, इधर देखो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो ऐसे क्या आएगा फॉल्स, ये देखने का भी नहीं है, इसीलिए क्यू इंप्लाइज पी में आएगा टी टी एफ टी। अभी नॉट पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, यानी ये दो कॉलम में आपको क्या चाहिए, डबल इंप्लीकेशन चाहिए, डबल इंप्लीकेशन दोनों सेम चाहिए, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है तो ट्रू लिखो, ये दोनों ट्रू सेम है तो ट्रू लिखो,
ये दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स लिखो, दोनों सेम रहे तो टू लिखने का, एक टू एक फॉल्स रहा तो फॉल्स लिखने का, ये भी हो गया। अब ये वाला कॉलम यानी ये और ये वाला कॉलम, इसके बीच में क्या चाहिए आपको? वेरी गुड, ये दो कॉलम में क्या चाहिए आपको? और में क्या चाहिए? दोनों फॉल्स, दोनों फॉल्स ढूंढते रहो, ये तीन देखूंगा भी नहीं, यहां देखा फॉल्स, यहां फॉल्स नहीं मिला, दोनों फॉल्स आने वाले एक में भी नहीं है, एक भी फॉल्स आने वाला नहीं है, इसलिए ऑल आर टी 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 टी, देयरफॉर दिस कॉल एज अ टॉटोलॉजी। क्या बोलते इसको? टॉटोलॉजी इज द आंसर। एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर इंडियन 2 यूजिंग द ट्रुथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। छोटा वन, नॉट पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड नॉट पी। वैसे स्टेटमेंट अगर देखोगे तो समझता नहीं इक्विवेलेंट है करके, लेकिन ट्रुथ टेबल्स इनकी वैल्यू सेम आ गई तो समझता है कि यस इसके जगह ये भी लिख सकता हूं वर्बल स्टेटमेंट। तो चालू करेंगे, कितने स्टेटमेंट्स है? दो, पी और क्यू, चार ही कॉलम आएंगे, चार ही रो आएगी, पी की रो में आएंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नॉट पी लिखेंगे अपन, नॉट पी आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट पी कर दो। अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए नॉट पी एंड क्यू, इनके बीच में क्या चाहिए आपको? एंड, कौन से दो कॉलम के बीच में एंड चाहिए? आखिरी दो, सेकंड एंड थर्ड। एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू, एंड में दोनों ट्रू चाहिए तो ये दो देखूंगा नहीं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, काम का है ये ट्रू, लेकिन ये फॉल्स काम का नहीं है, सिर्फ थर्ड वाला ट्रू आता, बाकी तीनों फॉल्स आता है। रिपीट, ये और ये, नॉट पी और क्यू में एंड चाहिए, दोनों ट्रू देखूंगा तो ये दो देखूंगा नहीं, यहां दोनों ट्रू आने के चांसेस है, इधर ट्रू है तो इधर ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, यहां ट्रू है लेकिन यहां फॉल्स है, काम का नहीं है। एफ एफ टी एफ इज द कॉलम फॉर नॉट पी एंड क्यू। अब पी और क्यू को कॉलम मैंने डायरेक्टली बताया था, लास्ट वाला फॉल्स आता है, कैसे आता है वो भी चेक करेंगे। पी और क्यू में ये दो कॉलम में और चाहिए, यानी दोनों फॉल्स चाहिए, और में दोनों फॉल्स चाहिए, ये दो देखने का नहीं, या स्टार्टिंग विथ ट्रू देखने का भी नहीं, ये दो फॉल्स में देखा मैंने, यहां लास्ट में दोनों फॉल्स दिखे मेरे को, इसलिए उसको एफ लिखा, बाकी तीनों टू लिख दिए मैंने। अब कॉलम नंबर सिक्स लिखता हूं मैं, पी और क्यू एंड नॉट पी, पी और क्यू एंड नॉट पी, यानी पी और क्यू का कॉलम और नॉट पी का कॉलम में क्या चाहिए आपको? एंड चाहिए, एंड में दोनों क्या चाहिए? ट्रू, तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू कहां है देखो, ये तीन देखूंगा, ये देखूंगा भी नहीं, ये दोनों टू देखा, ये नहीं जमा, ये नहीं जमा, थर्ड वाला बराबर टू आ गया, दोनों टू आ गए, ये तो देखने का भी नहीं। एफ एफ टी एफ इज द आंसर। अब लैंग्वेज कैसे लिखना? कॉलम फोर एंड सिक्स आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में एफ एफ टी एफ, एफ एफ टी एफ, कॉलम फोर एंड सिक्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। अभी जाते हैं पांचवा एग्जाम्पल जिसमें आर भी है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है आर में, आर अगर जम गया तो बाकी ये दो वाले चिल्लर लगते हैं पी क्यू वाले, इसमें तीन स्टेटमेंट्स है पी क्यू एंड आर, तो कितने रोज आएंगे? टू क्यू, यानी कितना आएगा? एट, एट रोज आएगी। एट रोज कैसी आएगी? फर्स्ट कॉलम में पी, पी में चार ट्रू चार फॉल्स, क्यू में दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, आर में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। अब और में दोनों फॉल्स चाहिए तो पी और क्यू में ये चार देखूंगा नहीं, ये चार में देखा, दोनों फॉल्स कहां लिखे मेरे को? पी और क्यू में, लास्ट में लिखे, क्योंकि यहां फॉल्स और ट्रू है, ये दो काम के नहीं है, तो ये फॉल्स में ये दोनों फॉल्स दिखे, इनको फॉल्स लिखा, सर्कल किया, इसको टी 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 अपना छोटा भाई लिखेगा, कौन लिखेगा? अपना छोटा भाई, वेरी गुड। अभी
कॉलम क्या क्या है, पी और क्यू इंप्लाइज आर, गन लेके इधर से तैयार रखू उधर से तैयार रखू, सर पी और क्यू भले उधर जाओ, थैंक यू वेरी मच माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया इधर तैयार हो गन लेके, हाँ बजाने का है, पी और क्यू इंप्लाइज आर, तो पी और क्यू के कॉलम में ट्रू चाहिए और आर के कॉलम में फॉल्स चाहिए, तो मैं ये आखिरी के दो देखूंगा नहीं, अब P और Q से R पे जाता हूं तो ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, ये यहां मिल गया ये फॉल्स, ये पहला ट्रू है लेकिन ये फॉल्स नहीं है, काम का नहीं है, चौथा फिर से मिल गया ट्रू पहला दूसरा फॉल्स काम का है, ये काम का नहीं है, सिक्स्थ ऑल्सो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ फॉल्स आएंगे, बाकी सारे ट्रू आएंगे क्योंकि इंप्लीकेशन में पहला ट्रू चाहिए और दूसरा फॉल्स चाहिए, तो आंसर क्या आता है फॉल्स आता है, अब पी इंप्लाइज आर बोला फिर इधर आऊंगा, पी इंप्लाइज आर में पहला क्या चाहिए वेरी गुड ट्रू, दूसरा कौन चाहिए फॉल्स, वेरी गुड ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आंसर क्या आता है फॉल्स, वेरी वेरी गुड, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, पी इंप्लाइज आर में ये चार देखूंगा क्योंकि दे शुड स्टार्ट विथ ट्रू, ये चार देखूंगा नहीं, अब आर में फॉल्स कहां आता सेकंड में आता तो सेकंड को टिक मार करो, थर्ड में नहीं आता फोर्थ में आता है फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, सेकंड और फोर्थ फॉल्स आएंगे बाकी सारे ट्रू आएंगे, अब आएगा क्यू इंप्लाइज आर, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये दो देखूंगा, क्यू इंप्लाइज आर में पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स, सेकंड में आता है देखो इसलिए सेकंड को फॉल्स लिखा, ये दो देखूंगा नहीं, इसमें देखा ये काम का है ट्रू फॉल्स, यहां फॉल्स लिखा, ये दो देखूंगा भी नहीं, यानी ये और ये फॉल्स आएंगे बाकी सारे ट्रू आएंगे, अब कॉलम का आता है आखिर का देखेंगे, पी इंप्लाइज आर एंड क्यू इंप्लाइज आर, पी इंप्लाइज आर एंड क्यू इंप्लाइज आर, यानी ये दो कॉलम में आपको क्या चाहिए एंड, वेरी गुड, एंड में दोनों कैसे चाहिए ट्रू, तो आंसर क्या आता है ट्रू, तो यहां दोनों ट्रू ढूंढते रहो, ये दोनों ट्रू है काम का, ये देखूंगा भी नहीं, ये दोनों ट्रू है ट्रू आएगा, ये देखूंगा भी नहीं, ये दोनों ट्रू है आंसर ट्रू आएगा, ये देखूंगा नहीं, ये दोनों ट्रू है ट्रू, ये दोनों है ट्रू, तो आंसर आ गया टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, अब कॉलम फाइव और एट आइडेंटिकल क्या देखो, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, T F T F T F T T, columns 5 and 8, 5 इसका है 8 इसका है, 5 and 8 are identical, T F T F T F T T, therefore P or Q implies R is logically equivalent to P implies R and Q implies R, that's all.